हम 9 महीने से यहाँ पे जुड़े हैं, 9 महीने से सतत कार्य कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे काम करने को मजा ही अलग आ रहा है। कि यहाँ पे जो गुरु है, चंदन पांडे सर है, आलोक सर है, विजय कुमार राठौड़ सर है, धनंजय सर, विशाल सर, साजिद सर, ऐसे गुरुओं के साथ अपने को काम करने को बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। जो अपनी कंपनी एक ब्रांड के शोरूम में उभरू हो रही है दोस्तों। अपनी कंपनी का नाम है जा लाइफ स्टाइल, जम्प स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, एक अद्भुत जीवन शैली। कंपनी का एड्रेस है 1 कैनेडा स्क्वायर, कैनरी वुल्फ, लंडन, E14-5AB, यूनाइटेड किंगडम। कंपनी के मालिक है मिस्टर एलेक्स सर, जो मैं उनको भगवान स्वरूप मानता हूँ दोस्तों। उनका मिशन है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में खुशहाली लाना, और वही मिशन से मिस्टर एलेक्स सर उतरे हैं। और अपनी कंपनी 2017 से ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही है दोस्तों। और 2017 में कंपनी ने यूएस में शुरुआत की, और यूएस में जो लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है, जो उनकी रहने की लाइफस्टाइल बदल चुकी है, उनकी जो भी चीज होगी, जो भी परेशानी होगी, वो सब हट चुकी है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में इतना कुछ कर सकती है, तो कंपनी ने सोचा कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे देश है, बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे जैसे कि खंड है, कि वो परेशानी के रूप में जी रहे हैं, जैसे गरीबी की रेशा में जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो कंपनी ने ऑलरेडी प्लान डिजाइन किया हुआ था, और वही प्लान जो आज एडियो के स्वरूप में अपन वो प्लान के माध्यम से अपन पैसे कमाने वाले हैं दोस्तों। एडव्यू मेरे बचपन से देख रहा हूँ, एडवर्टाइज मेरे बचपन से देख रहा हूँ, मेरे दादा पर दादा वो भी हो गए तब से एडवर्टाइज चालू है। और एक नए कंसेप्ट में कंपनी उतरी है पूरे विश्व में, और सबको उसका बेनिफिट करना चाहती है। कंपनी का मिशन है दोस्तों, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा सिटी नहीं होगा, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ऐसा कौन सा स्टेट नहीं होगा जो वंचित रहे। जो भी चीज से वो वंचित होता है, जैसे कि पैसे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो आर्थिक दृष्टि अपन प्रॉब्लम बोलते हैं, या पैसे के वजह से उनकी जो घर की हालात होगी, जो प्रॉब्लम्स होगी, जो अच्छी गाड़ी में नहीं घूम सकते, अच्छे घर में नहीं रह सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, तो अपने कंपनी के मालिक मिस्टर एलेक्स सर ने सोचा कि ऐसी जिंदगी कुछ काम की नहीं, इसीलिए आपने जन्म लिया है, इसीलिए आपने को भगवान ने नीचे धरती में भेजा है। तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको खुशहाली देना चाहते हैं दोस्तों। तो कंपनी का मिशन ही वही है, पूरे विश्व में खुशहाली लाना, हर एक लोग को खुशी देखना, हर एक लोग को अच्छा खाना मिलना चाहिए, हर एक लोग को अच्छी गाड़ी में घूमना चाहिए, ये उसका मिशन है। और विजन कभी देखा जाए दोस्तों, तो कंपनी पूरे वर्ल्ड में, पूरे देशों में, पूरे विश्व में बहुत सारे क्लब लाना चाहती है। ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारे क्लब है दोस्तों, लेकिन वो क्लब में जाने के लिए अपने अपना जो खिस्सा है वो अपने को परमिशन नहीं देता है, वो इजाजत नहीं देता है दोस्तों। कि वो क्लब की जो सदस्यता कभी देखेंगे तुम, लाखों करोड़ों में है, और वो अपन वो सदस्यता लेने के लिए अपने पास पैसा नहीं है, और सब जो बात होती है वो घुमा फिरा के वो पैसों पे आती है। तो इसीलिए अपनी कंपनी के मालक बोलते हैं कि जो पैसा सबके पास होगा तो वो हर एक खुशी जिएगा, हर एक खुशी उसके कदमों में गिरे होगी। तो इसीलिए कंपनी के मालक विजन जो ऐसा है, पूरे विश्व में अपने क्लब आएंगे, जैसे कि हाउस क्लब हुआ, कार क्लब हुआ, बाइक क्लब हुआ, डांस क्लब हुआ, बार क्लब हुआ, ऐसा बहुत सारी क्लब आने वाली है। जो पहले क्लब के बारे में तुमको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों, वो है हाउस क्लब। अभी हाउस क्लब बोले तो जैसे कि आपने घर में शादी है, सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों,
हम एकादी हॉल देखते हैं या मंगल कार्यालय देखते हैं, उसमें अपन लाखों रुपए खर्च करते हैं, पे करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेलिब्रेशन के लिए आपने को जगह होना चाहिए वो बड़ी होना चाहिए, लोग बैठना चाहिए, लोगों को सब सुविधाएं वहां पे मिलना चाहिए। अपनी कंपनी भी वही बात सोचती है दोस्तों। कंपनी बोलती है कि अपने को यहाँ से जो क्लब आएंगे, जो बंदे हो गए उनके नीचे समझ लो 10 या 20 हजार वेरीफाइड मेंबर्स हो गए, जो केवाईसी हुए मेंबर्स हो गए, वो स्टेट में क्लब आएंगे, वो सिटी में क्लब आएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट में क्लब आएंगे, वो गांव में क्लब आएंगे, और वो क्लब के अपन हकदार हो गए, और वो क्लब में अपन अपनी चीजें जो भी होगी, जो शादी होगी, बर्थडे पार्टी होगी, जो सेलिब्रेशन होगा, वहां पे अपन एंजॉय कर सकते। तो उसके लिए कंपनी ने कुछ हीरो अपने लिए डिसाइड किए, वो प्लान में तुमको बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एंजॉय भरी चीज आपने को कंपनी देना चाहती है और अपन दूर भागते हैं, तो ये चीजें कंपनी का मिशन विजन दोस्तों। जो लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गरीबी में, उनको अच्छा दवाखाना मिलता नहीं है, अच्छी ट्रीटमेंट मिलती नहीं है, वो बिना ट्रीटमेंट के एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि ऐसे लोगों ने ऊपर आना चाहिए। जैसे कि अपन बताते दोस्तों कि जो लोग है, जैसे कि आशिया खंड होगा, यूरोप खंड होगा, बहुत सारे देश लोग है, बहुत सारे देश है, वहां के लोग गरीबी में जूझ रहे हैं दोस्तों, और वो गरीबी के ऊपर निकालने का काम अपने मिस्टर एलेक्स सर कर रहे हैं। जैसे कि अपन इंडोनेशिया की कभी बात किया जाए दोस्तों, तो इंडोनेशिया में यूरो का और उनकी करेंसी का बहुत सारा डिफरेंस है उसकी वैल्यू में, तो वो लोग आईडी भी नहीं लगा सकते। उसके लिए भी कंपनी ने सजेस्ट किया है कि ऐसे लोगों को भी आपने को ये मंच पे लाना है, ऐसे लोगों से भी आपने को काम करवाना है, ऐसे लोगों को भी आपने को यहाँ पे एडवर्टाइज दिखाना है, और ये लोग काम करेंगे तो आने वाले समय में उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि जो भी आईडी लगेगी वो बंदे की, उसको मैं फाइनेंस करूंगा। जो कंपनी अपनी 5 यूरो से उनको फाइनेंस करके उनकी आईडी लगाना चाहती है, और 5 यूरो बाकायदा अपने से भी लेना चाहती है। 10 यूरो में उनका वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। ये क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि जो यूरो का और उनकी करेंसी का डिफरेंस, उनको कभी पर्सनल वेरिफिकेशन करना पड़ी तो समझ लो दोस्तों उनकी करेंसी में होता है 1,71,000 रुपए, तो वो लोग नहीं दे सकते। इसीलिए कंपनी चाहते है कि ऐसे लोगों ने भी काम करना चाहिए, ऐसे लोगों ने भी जिंदगी अच्छी जीना चाहिए। तो कंपनी का मिशन विजन है दोस्तों। यहाँ पे हर एक बंदा जो दबा होगा, कुचला होगा, जो वंचित होगा, जो पीड़ित होगा, हर एक बंदा ये जा लाइफस्टाइल के मंच पे आ सकता है, काम कर सकता है, और ऐसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा ड्रीम, बहुत सारा सपना यहाँ से साकार कर सकता है। यही उद्देश्य से अपनी कंपनी मिस्टर एलेक्स सर अपने तरफ देखने का नजरिया है दोस्तों। ये नजरिया अपन कितना अपन ये कर सकते, कितना यशस्वी कर सकते, कितना पॉजिटिव ले सकते हैं, जो कंपनी अपनी चाहती है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में कभी ऐसा होता है तो आने वाले समय में जो आर्थिक परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, जो कि आप भी सर ने जीडीपी के बारे में बताया, जो हमारे मेटे सर ने, वो जीडीपी भी नीचे आ जाएगी दोस्तों। जो आज बहुत नीचे आ गई है तो वो भी ऊपर चले जाएगी। जो अपने भारत सरकार की जो आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट हुई है वो भी अपनी सीधे रेशे में आ जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कंपनी चाहती है, यही कंपनी का मिशन विजन है दोस्तों। ज्यादा समय न लेते हुए आने वाले समय में बहुत सारे बंदे यहाँ पे सिस्टम में आने वाले है, यहाँ पे बोलने वाले है, तो मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। और धनंजय सर का